हेलो दोस्तों, पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी लेकिन उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हमें भी ऐसा पंप बनाना है और कई लोगों के कुछ डाउट्स थे, तो इस बार सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं हम लोग। पिछली बार हमने जो बनाया था वो था इंजन के पास पंप रखा था हमने, लेकिन वो क्या था, इमरजेंसी थी इसीलिए वहाँ पर रखा था। लेकिन इस बार हमने जो किया है वो परफेक्टली सब किया है। हमने क्या किया इस बार, हमने पीटीओ के जो ट्रैक्टर का पीटीओ आता है पीटीओ के साथ ही 8 इंच की पुली लगा दिए और उसके साथ पंप लगा दिया है, मतलब कि पीटीओ के साथ ही पंप चलेगा। तो ये रहा यहाँ पर पंप, और देखिए पीटीओ के साथ चल रहा है पंप, और यहाँ पर इसका वाल्व है देखिए यहाँ पर, और उसके बाद सारी नोजल है यहाँ पर। काफ़ी आसान है, आपको बनाना है तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस पीछे का स्टैंड है वो आप जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। और पीछे ही पंप जो है पीछे ही लग जाता है, पंप है सोना कंपनी का पंप है, वो पीछे ही लग जाता है पीटीओ के साथ। पीटीओ में एक 8 इंच की पुली लगती है और उसके साथ पंप लग जाता है। और अभी इसमें 7 नोजल है, 7ों के 7ों बढ़िया चल रही है। 4 से 5 हज़ार के खर्चे में आपको मिल जाएगा पूरा A2Z, इसमें कुछ ज़्यादा माथाकूट है नहीं, आप भी आसानी से बना सकते हो इससे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी नई नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखिए यहाँ पर पीछे ड्रम है, ड्रम 120 लीटर का ड्रम है, आप चाहो तो बड़ा भी लगा सकते हो छोटा भी लगा सकते हो। तो बस गाइस यार इतना ही था। पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि हमें बनाना है कैसे बनाए, तो सब कुछ इस वीडियो में मैंने डिटेल दे दी है। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा डाउट थे वो पंप को लेकर थे जो मैंने क्लियर कर दिए। सोना कंपनी का पंप है और एक बस 8 इंच की पुली चाहिए होगी जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, वो ट्रैक्टर के पीटीओ में लग जाती है, और पीटीओ से एक बेल्ट वो पुली और पंप जो बेल्ट के साथ घूमता है और चलता है। काफ़ी बढ़िया प्रेशर भी है इसका, पिछली बार कुछ समझ नहीं आया था इसलिए दोबारा वीडियो बना दिया कि सारा डिटेल में सब कुछ समझा सकूं। आई होप दोस्तों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। देखो आकर जो नली है ये एल्यूमिनियम की है ताकि ज़्यादा वजन ना करे, और बम्पर में डायरेक्ट लगाइए, वैसे इसको पीछे भी लगा सकते हैं लेकिन पीछे इसमें क्या है जगह नहीं थी इसीलिए आगे लगा दिया। और बाकी तो नॉर्मली नोजल है जो कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। बस ये मेन था कि पंप जो ट्रैक्टर में से पीटीओ आता है पीटीओ के साथ 8 इंच की पुली लगती है और उसके बाद पंप, और पंप में 1.5 इंच की पुली लगती है जो कि पीटीओ की पुली और ये पंप की पुली दोनों एक बेल्ट से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही मतलब पीटीओ घूमेगा तो पंप भी घूमेगा और दवा पानी निकालेगा। ज़्यादा कोई इसमें खर्चा नहीं है, 4 से 5 हज़ार में हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी 4 से 5 हज़ार में हो जाएगा, अगर कोई कोई चीज़ें हैं तो ये भी और भी सस्ता पड़ेगा। गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना
और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। पिछली बार हमने इंजन के साथ लूप लगाया था, वो भी वैसे चल सकता है, आप इंजन के साथ लगा सकते हो। वहाँ पर भी एक बेल्ट के साथ, यानी इंजन जितना घूमेगा पंप भी उतना ही घूमेगा और प्रेशर भी उतना ही रहेगा। और एक एडिशन है इसमें कि अगर आप ज़्यादा मतलब प्रेशर नलियों पर पड़ रहा हो तो आप इसमें एक रिटर्न वाल्व भी रख सकते हैं, जो जितना चाहिए उतना पानी वहाँ पर देगा और बाकी का वापस ड्रम में डाल देगा पानी। रिटर्न वाल्व भी आप रख सकते हो। काफ़ी बढ़िया है, एकदम आरामदायक है, ट्रैक्टर चलाने में भी ट्रैक्टर को कुछ नुकसान नहीं करता, काफ़ी अच्छा है। आप लोग बिल्कुल ही कर सकते हो इसे, और करना ही चाहिए, क्योंकि ये और उससे काफ़ी सिंपल पड़ता है। देखो अभी चला रहे हैं भैया, कुछ उनको पता भी नहीं चल रहा है। और प्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रेशर, तो प्रेशर देखिए आप कितना है इसका, देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि और भी कई लोगों को इस तरह से बनाना है और काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है वीडियो को शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। हाँ, वो छो तो नहीं सब जगह।